हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ काउंसिल की तरफ से नोटिफिकेशन जो है ऑलरेडी जो है लॉन्च हुए थे यानी पब्लिश हुए थे। और चूंकि मैं बहुत बिजी था इसलिए जो है उनके ऊपर कोई वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बट आज जैसे ही मैंने देखा तो आज सोचा कि कुछ इसके बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, शायद आप लोगों के कुछ काम आ जाए। तो तीन नोटिफिकेशन हैं काउंसिल की जो है उसकी वेबसाइट पे अपलोडेड है। तो सबसे पहले की मैं बात करूंगा जो 1/1/2023 को अपलोड की गई है MSR के नाम से, और ये बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन है। एक तरह से कहें कि बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे थे। नोटिफिकेशन है महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर मुंबई की तरफ से। मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग ए न्यू कॉलेज फॉर एक्यूपंक्चर डिप्लोमा कोर्स जिसका नाम है DAT, डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर थेरेपी। ये नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ा है, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं इसको सब पढ़ के आपको बताऊं। यू शुड हैव टू गो ऑन द वेबसाइट ऑफ महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल और इसको आप डाउनलोड करके फिर उसके बारे में जो है जाने की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई भी एक नया कॉलेज एक्यूपंक्चर का आप शुरू करना चाहते हैं काउंसिल के अंडर में, तो ये नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए जो कि एक्यूपंक्चर में जो है अपना यानी कि इंस्टीट्यूट रन करते हैं या करना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड हैं या एक्यूपंक्चर कॉलेज डालना चाहते हैं, कुछ भी यानी करना चाहते हैं, तो क्या उसकी क्राइटेरिया है, क्या उस काउंसिल की गाइडलाइंस है और उसके लिए क्या यानी रिक्वायरमेंट रहेगी, एवरीथिंग इन डिटेल काउंसिल है पब्लिश इन दिस PDF। आपको जो है बस डाउनलोड करना है उनकी सारी गाइडलाइंस को जो है और उनके जो एस्टेब्लिशमेंट है क्या अगर लगेगा जो एक नए एक्यूपंक्चर के कॉलेज को रन करने के लिए, या कोई ऑलरेडी कॉलेज रन कर रहा है और किसी और तरह के कोर्सेज को रन कर रहा है चला रहा है, तो वो भी जो है जाकर के इसमें गाइडलाइंस को पढ़ करके देख सकता है कि मेरे लिए क्या फीस रिक्वायरमेंट है, क्या डिपोजिट करना पड़ेगा, कितना एनुअल चार्जेस है और 50 स्टूडेंट्स जो मिनिमम चाहिए, कितने स्क्वायर फीट लगेंगे और OPD के लिए क्या है, 100 पेशेंट जो है डेली होने चाहिए, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। एवरीथिंग हैव गिवन इन दिस PDF इन डिटेल्स। सो अगर मैं इसको सिर्फ वन बाय वन रीड करके अगर मैं आपको बताऊंगा तो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर भी कम पड़ जाएंगे इस वीडियो को रिकॉर्ड करके पूरा करने के लिए और उसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो बेटर है इंग्लिश में है, आप उसे जो डाउनलोड कर लें, अगर इंग्लिश आपको ना समझ में आती किसी से आप ट्रांसलेट करवाकर उसको समझ लें, या फिर आप उसको ऑनलाइन भी ट्रांसलेट करके जान सकते हैं। एवरीथिंग मैंने इसको पढ़ा है, काफी पढ़ा है और बहुत डिटेल में, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अब इंडिया में जो कॉलेज होगा सून आई थिंक कोई ना कोई इसको शुरू करेगा, जिससे कि जो है एक तरह से कहें कि जो है जो लोग इधर उधर ऐसी वैसी सर्टिफिकेट लेकर के रन कर रहे थे और जो है इंस्टीट्यूट चला रहे थे, कोई भी सर्टिफिकेट इश्यू कर दे रहा था और कोई भी डिप्लोमा के नाम पे जो अच्छे खासे पैसे ले रहा था और उसकी वैल्यूएशन नल थी और कितना कंटेंट वो जो है और कितना रिच कंटेंट वो जो स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा था, वो भी एक तरह का इश्यू था, किस पे ट्रस्ट करें किस पे ना करें। और फिर सबसे बड़ा जो उसका कौन सा वो ये था कि आइदर जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं सर्टिफिकेट डिप्लोमा, इवन लोग डिग्री तक जो इश्यू करते रहते, मुझे तो समझ में नहीं रहा हाउ दे कैन इश्यू द डिग्री विदाउट द काउंसिल, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। तो डिग्री इश्यू करने के लिए किसी की जो है यानी कि बॉडी होती है, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर होना चाहिए कॉलेज का, तब उसके बाद डिग्री जो है यूनिवर्सिटी से जो इश्यू की जाती है, बट इसके नाम पे अभी बहुत कुछ चल रहा है। तो इग्नोर ऑल ऑफ देम, अगर कोई आपसे कहता तो उसे इग्नोर कर दें। और ये मैं उन सब लोगों से कहूंगा जो महाराष्ट्र में है या आउट ऑफ महाराष्ट्र है, ये ओपन होने के बाद ही वो एनरोलमेंट करें, ये उनके लिए अवेलेबल होगा यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद, क्योंकि दूसरे जब स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वहां पे तो वैसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर वो इनरोल करके इस बॉडी के अंदर इस कॉलेज के अंदर जो अपना एजुकेशन लेते हैं तो एक लाइसेंस होल्डर तो बनेंगे, वो महाराष्ट्र को पंक्चुअल काउंसिल से रजिस्टर्ड जब हो जाएंगे तो एब्रॉड भी उनको वही जो है सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन उनके लिए अवेलेबल होगा, साथ ही इंडिया में भी कोई उनको रोक नहीं सकता। और दूसरी अगर काउंसिल बनेगी किसी स्टेट में तो भी उसको वो मानेगी, दे विल एक्सेप्ट बिकॉज दे आर नॉट निगलेक्टिंग और रिजेक्टिंग एनी ऑफ द जो रजिस्ट्रेशन जो किसी भी काउंसिल यानी स्टेट वाइज काउंसिल में अगर हुआ है तो उसको दूसरी रजिस्टर रिजेक्ट नहीं कर सकती, वहां जब भी बनेगी तो दे आर इच कनेक्टेड। तो अब ये मैसेज उन सभी के लोगों के एनफ हो जाएगा जो मुझसे पूछते थे कि सर अभी ये एलिजिबिलिटी वाला जो है फिर से कब चालू होगा। तो मैंने बहुत पहले भी कह दिया था अपनी वीडियो में कि ये वन टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जिनको मिल गई सो मिल गई, अब जिनको चाहिए दे हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट काउंसिल नोटिफिकेशन। तो अब ये नोटिफिकेशन आ गया है,
अब थोड़ा और इंतजार इसलिए करना पड़ेगा कि अब कोई जो इसको रन करेगा, चालू करेगा, जो जिस जो इसको जो है यानी कि काउंसिल के अकॉर्डिंग अपने फुलफिलमेंट को पूरा करके काउंसिल से जो ऑथराइजेशन ले लेगा, फिर उसको उसको रन करेगा डीएटी, डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर थेरेपी में, फिर वो जो है उसके अंडर में आप रजिस्टर्ड करें हो जाएं, और वहां से जो है जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लेंगे फिर काउंसिल का एग्जाम है उसमें दिया हुआ नीचे की 80% उनका और 20% इनका रहेगा, एग्जाम देने के बाद फिर आप ऑटोमेटिकली जो है रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा, तो फिर किसी तरह की जो इश्यू से सब कुछ खत्म हो जाएंगे, आपको ना कहीं और एडमिशन लेना है ना कुछ और करना। हाँ एक बात है जो सिलेबस पे भी मैं आऊंगा तो बताऊंगा कि सिलेबस कैसा है, तो अभी इस पे जो और थोड़ी मोड़ी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ क्लर्क है, स्टोर कीपर है, अकाउंटेंट है, लाइब्रेरियन है, पियोन है, ओपीडी इंचार्ज, एक्यूपंक्चर पर्सनल है, प्रिंसिपल होना चाहिए फुल टाइम इनके यहाँ, और लाइब्रेरी होनी चाहिए जो है, स्टूडेंट्स का क्या रेशियो होना चाहिए, ओपीडी का क्या होना चाहिए, सब कुछ बहुत डिटेल में दिया है, टूल्स क्या रिक्वायरमेंट है, एक हॉस्पिटल को जैसे रन करने के लिए जितने सारे टूल्स लगते हैं और एक स्टूडेंट को स्टडी करने के लिए जो सारे टूल्स लगते हैं, काउंसिल इज अनाउंस इन दिस वीडियो कि दे हैव टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ दी, वो सब कुछ इसमें मेंशन है, यहां तक कि मशीनरी वगैरह, क्योंकि बच्चों को सीखने के लिए तो ऑब्वियस उनको इंस्ट्रूमेंट लगेगा ना, तो नीडल से लेके वो सब कुछ यानी कि मशीनरी जो है, इलेक्ट्रिकल पंक्चर्स वगैरह है, कप बोर्ड है, बुक शेल्फ है, बुक लाइब्रेरी है, कैश पेपर्स है, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, ऑडियो सिस्टम, सीसीटीवी, टेलीफोन, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर, वाटर प्यूरिफायर, ड्रिंकर, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, फैन, नोटिस, यानी कि जो कुछ भी चेयर है, टेबल है, बेल है, स्टूल है, ट्रीटमेंट चेयर है, ट्रीटमेंट बेड है, जो एक तरह से कहते हैं कि हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल होता है लेकिन ये जो कॉलेज रहेगा ये हॉस्पिटल कम जो है ट्रेनिंग सेंटर दोनों रहेगा, क्योंकि जो बच्चे पढ़ेंगे वो जाहिर सी बात सीखेंगे, तो थ्योरी के साथ जो है लैब भी होना जरूरी है, प्रैक्टिकल होना जरूरी है, तो वहां से वो जो है डेली जो है या जब भी उनको काउंसिल ने फर्स्ट ईयर में रखा है कि क्या करना, फिर सेकेंड ईयर में क्या है, वो सब उनके सिलेबस में डिटेल में है। तो अब जो है सीखने की, सिखाने की और रजिस्ट्रेशन की जो भी समस्या थी सब कुछ खत्म हो गई है। अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपने कॉलेज ओपन करने का या जिनका कॉलेज ऑलरेडी रन कर रहा है, वो इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और जो भी काउंसिल की गाइडलाइन उसे प्रॉपर पढ़ें, और काउंसिल की रिक्वायरमेंट अगर वो फुलफिल कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करके जो है इस कोर्स को अपने जो है सेंटर पे या अपने कॉलेज में रन कर सकते हैं, काउंसिल से कनेक्ट होकर एक ऑथराइज सेंटर भी हो जाएगा उनका, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो जो है अक्यूपंक्चर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और अक्यूपंक्चर फील्ड में एक तरह से ये क्रांति होगी, क्योंकि अब तक जो है इंडिया में कोई भी जो है ऐसा कॉलेज या इंस्टीट्यूट नहीं है जो इस तरह की जो है यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इशूट की गई जो है लाइसेंस होल्डर आपको जो है कोई सर्टिफिकेट या जो है एडवांस डिप्लोमा प्रोवाइड करे। आई होप कि काउंसिल इसके बाद एडवांस कोर्स भी लाएगी, अभी तो डिप्लोमा है तो ऑब्वियस डिप्लोमा के बाद फिर डिग्री वगैरह के भी जो है इसमें कोर्सेज आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि उसके बिना तो कोई नहीं सकता ना, वो तो रिक्वायरमेंट भी है, उसमें मास्टरी भी होगी, एमडी भी होगी, सब कुछ होगा, बट आई होप कि वन बाय वन होगा, क्योंकि अभी जब फर्स्ट थ्रू हुआ तो सबसे पहले तो लोग डिप्लोमा ही करेंगे, फिर डिप्लोमा के बाद ही आगे जो भी प्रोसेस होगा काउंसिल उसका अनाउंसमेंट करेगी। तो ये हो गया कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसको देखें, और सेकंड सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मैंने देखा है काफी अच्छा है, इस तरह समझ लीजिए आप डॉक्टरी जैसे करते हैं सेम लाइक जो है इनका जो है सिलेबस है काउंसिल का। अब उस सिलेबस के अंदर अगर आप देखेंगे तो इतना डीप लेवल है कि अब समझ में आएगा, या ये कहें कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अभी भी पूछते हैं सर क्या कोई और कोर्स कर लें, उनसे मैं कहूंगा तो फिर वापस से डीएटी कर लो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि व्हाट यू हैव ऑब्टेन आफ्टर गिविंग ए ओनली द एग्जाम, जो आपने आसानी से एग्जाम देकर अपने क्वालिफाई कर लिया काउंसिल का एग्जाम, और काउंसिल ने आपकी सहूलत के लिए और आपके सपोर्ट के लिए बहुत ही इजी एग्जाम आपसे लेकर के आपको जो है रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट दे दिया और एक जो है लाइसेंस एक्यूपंक्चरिस्ट आपको बना दिया, अगर आपको समझ में आए कि हाँ क्या इसकी वैल्यू है तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझ में आए कि इसकी क्या वैल्यू है तो आप सिलेबस जो उठा करके देख लेना, काउंसिल ने 1/1/2023 को जो अपलोड किया है सिलेबस फॉर एक्यूपंक्चर डिप्लोमा कोर्स डीएपी, डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर थेरेपी, आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या। अब जिन लोगों को लेना होगा वो टेढ़ी खीर हो जाएगा एकदम, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं। अब इनको कंटेंट में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्यूपंक्चर थेरेपी है, विजन है, मिशन है, अबाउट द कोर्स है, प्रीरिक्विजिट है, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है, हेल्थ है, कोर्स ऑब्जेक्टिव है, कोर्स डिटेल्स है, डिप्लोमा कोर्स, क्यूरिकुलम, सिलेबस, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर जो है उसमें सेकंड सेमेस्टर नहीं, फर्स्ट ईयर में जो है फर्स्ट एंड सेकंड दो सेमेस्टर होता है क्योंकि सेमेस्टर 6 मंथ का है, और फिर सेकंड ईयर में दो सेमेस्टर है थर्ड एंड फोर्थ, फिर इंटर्नशिप है, टर्म्स ऑन एग्जामिनेशन पैटर्न है,
मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन ड्यूरेशन हाई एग्जामिनेशन अटेंडेंस है और सेमेस्टर वाइज इंटरनल असेसमेंट है, ड्रेस कोड है, सेंस ऑफ हाइजीन है, बिहेवियर है, और फिर सेमेस्टर वन में हावर्स ऑफ टीचिंग कितना होना चाहिए, एग्जामिनेशन शेड्यूल है, मार्क्स है, ह्यूमन एनाटॉमी है, कोर्स डिस्क्रिप्शन, रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक और रिकमेंडेड रेफरेंस बुक। मैंने देखा है रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स में इन्होंने ग्रे वगैरह की जो एनाटॉमी को लिया हुआ है जो कि बहुत ही डीप है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आई एम नॉट स्टडिंग ओनली द एक्यूपंक्चर, ये तो पूरी की पूरी BHMS और MBBS जैसी पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे तो पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, प्रैक्टिकल भी है, सब कुछ भी है, स्कीम ऑफ द काउंसिल एग्जामिनेशन है, स्कीम ऑफ थ्योरी है, स्कीम ऑफ इंटरनल असेसमेंट है, कोर्स डिस्क्रिप्शन, प्रैक्टिकल रिकमेंड टेक्स्ट बुक फिर है, तो अलग अलग जो है फील्ड में अलग अलग जो उनकी जो रिकमेंड टेक्स्ट बुक्स है वो भी काफी डीप है और कई कई अलग अलग राइटर्स की भी है। फिर पब्लिक हेल्थ के कॉन्टेंट्स में उन्होंने जो अलग से लिखा है, फिर उसके बाद फर्स्ट एड में CPR है, हिस्ट्री एंड फंडामेंटल्स एक्यूपंक्चर्स के हैं, मैं सिर्फ हेडलाइन अभी पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर उन्होंने सब कैटेगरीज बहुत सारी दी है। फिर उसके बाद सेमेस्टर टू में जो हावर्स ऑफ टीचिंग वगैरह है, पैथोलॉजी भी इसी के अंदर है, फिर एक्यूपंक्चर एंड मॉक्सीबस्टन टेक्निक जो है, फिर उसके बाद जो है मेरिडियन है और कोलेटरल्स एंड एक्यूपंक्चर है, एक्यूपॉइंट्स है, और फिर मेरिडियन कोलेटरल्स एंड एक्यूपॉइंट टू है, चाइनीज स्कैल्प एंड ईयर एक्यूपंक्चर, ये सिर्फ मैं हेडिंग पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर सब हेडिंग बहुत सारी हैं। फिर जो है माइक्रो सिस्टम ऑफ द एक्यूपंक्चर है, फिर सेकंड ईयर में हावर्स ऑफ टीचिंग में अगर बात करें हम तो वेस्टर्न लैब टेस्टिंग, रेडियोलॉजी है, डायग्नोसिस ऑफ एक्यूपंक्चर है, क्योंकि हमें मॉडर्न साइंस के साथ भी चलना पड़ेगा, अगर हमें कुछ फाइंडिंग करना है तो जाहिर सी बात हमें एक्सरे या किसी और दूसरी चीज की भी जरूरत पड़ेगी। फिर है डिफ्रेंसिएशन एंड सिंड्रोम्स है और क्लिनिकल प्रैक्टिस है, सेमेस्टर फोर्थ में इन्होंने जो दिया है वो कम्युनिकेशन स्किल है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट एंड एथिक्स है, फिर उसके बाद थेरेप्यूटिक्स है, थेरेप्यूटिक टू है, फिर सुपरवाइज प्रैक्टिस है, किसी के अंडर में रहकर पूरा वेल ट्रेंड करेंगे। तो फिर इन्होंने जो है इनका विजन क्या है, इनका मिशन क्या है, अबाउट कोर्स क्या है, ड्यूरेशन क्या है, हेल्थ है, प्रीरिक्विजिट टू परस्यू द कोर्स क्या है, और तो बहुत ही डिटेल्स है, और अगर मैं बात करूं एक आम आदमी के लिए तो काफी चैलेंजिंग होने वाला है, जो लोग समझते थे कि हाँ मैं सर्टिफिकेट ले लिया अब हम एक्यूपंक्चरिस्ट बन गए हैं, और जिनको लाइसेंस मिल गया है वो शुक्र अदा करें ऊपर वाले का, दे हैव ऑब्टेंड देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन वेरी इजी फॉर्म, अब जो नए करेंगे उनको समझ में आ जाएगा वाकई अब ये जो सीख कर बनेंगे दे नो वेरी डीपली अबाउट द एक्यूपंक्चर्स और उसके जो है यानी कि फंडामेंटल्स क्या हैं और उसके जो है यानी अपने जो है प्रैक्टिकल क्लिनिक में अगर आपको करना है तो क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं एक एक्यूपंक्चरिस्ट को, वो काउंसिल ने पूरा डीप में जो है इस PDF में बताया है कि हाँ ये चीजें हम कवर करेंगे। सिर्फ आप सेमेस्टर देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाह व्हाट अ ग्रेट थिंग हैव काउंसिल हैव अनाउंस, जो कि लाइफ बना देगी और आपको एक डॉक्टर बना देगी। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, फर्स्ट एड, हिस्ट्री एंड फंडामेंटल ऑफ एक्यूपंक्चर्स, पैथोलॉजी, एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबस्टन, मेरिडियन, मेरिडियन कोलेटरल्स, एक्यूपॉइंट, चाइनीज स्कैल्प, माइक्रो सिस्टम जो कि मैं ऊपर पढ़ चुका हूँ, फिर वहां पर उन्होंने जो समराइज किया पूरा उसका, फिर इंटर्नशिप इसके साथ में आप उनके साथ साथ यानी किसी मास्टर के और सुपरविजन में आप रह के उसको सीखेंगे भी, ताकि आप पेशेंट को कैसे अप्लाई करेंगे वो सिखाएंगे भी, ताकि ऐसा ना हो कि आप बस थ्योरी करके चले जाओ और आपको कुछ आता ना हो तो कैसे आप क्लिनिक ओपन करेंगे। तो एवरी जो भी कोई डॉक्टर्स यानी इंटर्नशिप होती है उसमें सब सिखाया जाता है, जो लोग भी जो डिग्री का कोर्स करते हैं उनको यह सब चीज सिखाई जाती है, जो कि मैंने यहाँ पे देखा है कि एज ए डिप्लोमा होल्डर आपको यहाँ बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, जो कि इंटर्नशिप वगैरह जो है यानी कि BHMS या MBBS करते हैं तो इंटर्नशिप उनके दी जाती है, उनको सिखाया जाता है कि आप जब क्लिनिक ओपन करेंगे तो आप पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे बड़ी बात है इन्होंने इनकी PDF में मैंने देखा कि जो लोग कॉलेज या इनसे जुड़ करके इस सेंटर को रन करेंगे उन्होंने उसमें बहुत अच्छा OPD का रखा हुआ कि डेली पर स्टूडेंट 2 पेशेंट को रखा हुआ है, कि जो शायद आई थिंक वो सेकंड ईयर में रहेगा, फर्स्ट ईयर में तो थ्योरी वगैरह होगी, जब आपको वेल नॉलेज हो जाएगा फिर आपको जो है प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो ये सीखने के साथ साथ यानी आपके कोर्स के साथ अलॉन्ग विद जो आपको जो है अगर पेशेंट देखने को मिल रहा है तो ये आपका एक तरह से आपको कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, और साथ ही साथ जो आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है और वो सुपरविजन में होता है तो एवरीथिंग नोटिस बाय सुपरवाइजर या जो भी आपके सुपीरियर रहेंगे, जो चाहे वो टीचर है चाहे ट्रेनर, जो भी वो आपको देखता रहेगा कि आप नीडल का जो इंसर्शन कैसे कर रहे हैं, आपका जो है जो इंसर्शन करने का तरीका कैसे है, आपको जो है उसको टोनिफिकेशन और सेडिशन करने का तरीका क्या है, आपको आप नीडल को कैसे होल्ड करते हैं, उसको कैसे रिमूव करते हैं, उसको कैसे पिंच करते हैं, वो सब कुछ उसके अंडर सुपरविजन में होगा, तो आप देखेंगे कि आप एक जो है वेल
एक तरह से कहें कि जो है ट्रेंड, जो वेल ट्रेंड जो होते हैं प्रैक्टिशनर, उस तरह से आप बन के वहां से निकलेंगे, फिर आपको किसी और जगह जाकर सीखने और सिखाने की आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप डेली दो पेशेंट वहां देखते हैं, जाहिर जो सिखाने वाले होंगे तो वो तो ऐसे अरे गहरे तो नहीं रहेंगे, दे आर ऑल विविध एंड प्रोफेशनल रहेंगे। अब यहाँ बात करें प्रोफेशनल की, तो ये थर्ड नोटिफिकेशन जो है काउंसिल ने लॉन्च किया, उसमें उन्होंने रिक्वायर किया है कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं एक्यूपंक्चर काउंसिल से और एक लाइसेंस ऑथराइज्ड टीचर बनना चाहते हैं काउंसिल ने, उसके लिए भी जो है एक नोटिफिकेशन जो है लॉन्च कर दिया है सेम डेट में। और चूंकि ये नोटिफिकेशन पूरा मराठी भाषा में लिखा हुआ, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ पाऊंगा, बट इतना बता दूं कि काउंसिल लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन टू बिकम ए टीचर इन द एक्यूपंक्चर थेरेपी। अगर आप एक्यूपंक्चर थेरेपी में एक टीचर बनना चाहते हैं तो आप लिखें काउंसिल को, उन्होंने फॉर्म भी वहां पे दिया है, आई द अंडर साइन प्रोसेस रिक्वायर डिग्री डिप्लोमा एंड एक्सपीरियंस इन द मेडिकल एक्यूपंक्चर थेरेपी टू बिकम ए रिकॉग्नाइज्ड टीचर इन एक्यूपंक्चर थेरेपी। माई डिटेल्स आर बिलो, नेम, एमसीए रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस विद कॉन्टेक्ट नंबर, रेजिडेंशियल का भी होगा और क्लिनिकल का हो, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, जनरल क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन इन एक्यूपंक्चर, ईयर ऑफ प्रैक्टिस इन एक्यूपंक्चर, मेडिकल प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, टीचिंग एक्सपीरियंस मॉडर्न है तो वो भी लिखें और साथ में ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर है तो वो भी लिखें, नेम ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशन साथ में है, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रैक्टिस इन एक्यूपंक्चर, आप 500 वर्ड्स में अपने को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के बारे में, और कंप्यूटर स्किल आपकी क्या वो आप वहां पे मेंशन करें, स्पेशलाइजेशन अगर है इन मेडिकल में या एक्यूपंक्चर में किसी और फील्ड में तो उनके लिए, क्योंकि कुछ लोग बीएचएमएस भी हैं और एमबीबीएस भी हैं, बीयूएमएस भी, उन्होंने भी जो है काउंसिल रजिस्ट्रेशन अपना लिया हुआ है, तो दे हैव बोथ काइंड ऑफ द नॉलेज। आई हियर बाई अंडरटेक दैट वट एवर इन्फॉर्मेशन गिवन एबो इज ट्रू, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी अप्रूवल एज ए मेडिकल ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर टीचर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, थैंक यू, योर सिंसियरली नेम एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, प्लीज अटेंड ऑल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और क्या लगेंगे इसके लिए, ऊपर काउंसिल ने मराठी भाषा में दिया हुआ है, तो आई विल रिक्वेस्ट टू गो देयर, और चूंकि मैं बहुत वेल नहीं हूँ मराठी लैंग्वेज में, तो बस इतना मैं समझ रहा हूँ कि उसमें जो है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीएमएस, ओटी, पीटी जो है, साथ में 70 साल तक की जो है एज तक के लोग जो इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, यही सब उसमें दिया हुआ, और उन सब के लिए कंपल्सरी होगा कि वो महाराष्ट्र की काउंसिल से रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। तो इतना मुझे लाइटली समझ में आया है, और 10 वर्ष का नियर अबाउट उन्होंने अनुभव भी उसमें मांगा है, तो जो भी कुछ है वो उसको आपको जाके डिटेल्स में पढ़ें, और पढ़ने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक एजुकेशन यानी कि एक्यूपंक्चर के टीचर बनना चाहते हैं और काउंसिल से जुड़कर अपनी सेवाओं को प्रदान करना चाहते हैं तो आप जुड़ें और अपनी सेवाएं प्रदान करें। काउंसिल ने हम सभी के लिए की बहुत ही अच्छी जो है कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज ओपन की है, तीन तीन चीज एक साथ कर दी, एक तो जो है करियर आपको मिल रहा है कि वहां पे आप एज ए टीचर भी कर सकते हैं, और दूसरा एक और ऑप्शन करियर का, आप एज ए प्रैक्टिशनर अपनी प्रैक्टिस को रन कर सकते हैं। जो लोग यहाँ वहां भटक रहे थे सर्टिफिकेशन डिप्लोमा के लिए और कोई 30,000-50,000 कुछ भी मांग रहा था, फिर उसकी वैल्यूएशन तो काउंसिल ने पहले नल कर दिया है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं, जब से काउंसिल आई उसके बाद अगर कोई भी इशू करता है सर्टिफिकेट हो चाहे डिप्लोमा चाहे डिग्री, दे ऑल विल बी नल, उनकी कोई वैल्यू नहीं है इन महाराष्ट्र। बाकी का तो अलग है, उनका अपना देखें, क्योंकि स्टेट वाइज जो काउंसिल है जब सेंटर वाइज हो जाएगी तो सब मसला ही खत्म हो जाएगा, अभी स्टेट वाइज चल रही है तो स्टेट वाइज जो रूल्स को फॉलो करना होगा, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होगा। जो पूछते थे एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी आप भूल जाएं, अब एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होगा और ना जो है ओपन होगा दोबारा, क्योंकि अब काउंसिल ने सिलेबस लॉन्च कर दिया, अब आपको बकायदा DAT डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर थेरेपी को आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके जो है जो भी सिलेबस आप जाके देखें, पढ़ने के बाद आपका एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद फिर काउंसिल आपको जो है सर्टिफिकेट इश्यू करेगी और फिर आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली जो है काउंसिल के अंडर में हो जाएगा। अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो जो लोग टेंशन ले रहे थे टेंशन लेना छोड़ें, आप स्टडी करें, आप ये सोचें कि मैं कैसे जो है, अभी आप प्री भी कर सकते हैं, अब जब तक कि कॉलेज वगैरह ओपन हो रहे तब तक उससे पहले अपने नॉलेज को ग्रो करना, ताकि आप जो है जब वहां पे जाएं या एनरोल करें तो एज ए यानी कि सीनियर स्टूडेंट की तरह से आपका जो है वहां पे जो परफॉर्मेंस रहे और आप एक अच्छे नंबर्स को अपटेन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।